इंदौर के तिलकनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने कथित दोस्तों से परेशान होकर सुसाइड कर ली है। उसके कमरे में फटे हुए कुछ रुपयों के नोट भी मिले हैं। पिता का आरोप है कि कुछ दोस्त उसे परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया है। इससे पहले भी युवक पर चाकू से हमला किया था। मामले की जानकारी देते हुए तिलकनगर पुलिस ने कहा कि दीपक गोस्वामी ने अपने घर में ही फांसी लगा ली है। रात में दीपक की मां ने उसे फंदे पर लटके देखा। इसके बाद परिवार के लोग उसे एम्बा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पिता का आरोप है युवक के साथ मारपीट कर उसे लटकाया गया है। पहले भी उसके कुछ दोस्तों ने पैसे के लिए चाकू मारकर घायल कर दिया था। जहां युवक ने सुसाइड किया, वहां पर 500 और 100 रुपए के कुछ नोट फटे मिले हैं, लेकिन उसका मोबाइल नहीं मिला, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही। लड़के को किसी ने जान से मारने की धमकी दे रहे थे, और मैं गाड़ी चलाता हूँ, बाहर रहता हूँ, और उसको ऐसा मार के और क्या मालूम फांसी जैसा लटका दिया। और जब हम घर पर मिसेस गई तो धड़कन चल रही थी उसकी थोड़ी थोड़ी, तो हम वहाँ से रात को लेके भागे और यहाँ अस्पताल लाए। यहाँ ने चेक वेक करा, 2-3 बार मशीनें लगाई, फिर बोले बताते बताते एंड में जाके बताने लगे कि भैया भैया तो उन लोगों ने जिनने मारपीट करी। अब ये उसके साथ 4-5 उसके दोस्त रहते हैं, वो क्या डराते धमके दादागिरी करते हैं और रोज उस लड़के को परेशान करते हैं। कारण क्या रहता है मतलब मारपीट करने का, दबाव बनाने का? कारण ये है कि अब ये साथ में खाते पीते होंगे या रहते होंगे, तो इससे क्या है 500 रुपये उधार ले लेते हैं और 2-2 हज़ार रुपये वसूल करते हैं इससे, और सही बात बताते नहीं है। और ये अगर पैसे कौड़ी देने में या कोई आगे पीछे होता है तो इसके साथ मारा कूटी करने की धमकियाँ देते हैं। युवक के पास से 500 और 100 के नोट भी फटे हुए मिले, ऐसी भी कुछ बात सामने ही? हाँ, 500 का नोट फटे और 100 के भी नोट फटे मिले वहाँ घर के सामने। रात में तो हम देख नहीं पाए, पर जब दूसरे पब्लिक लोग आए, जब उन्होंने देखा, जब उन्होंने बताया ये बात, और मोबाइल भी उसके पास नहीं है। तो क्या लगता है कि मतलब उन लोगों क्या हत्या करी गई उन लोगों ने? हाँ, मेरे को तो ये लगता है सर। दोस्तों के साथ घूमने भी गए थे ये? हाँ, दोस्तों के साथ घूमने गया था ये। कहाँ गए थे ये? वही यहीं काकड़ पे ही आजू बाजू। अभी तो मेरे को मालूम नहीं, मैं पीतमपुर गया था गाड़ी लेके, और मैं रात को 10:30 बजे करीब आया। क्या काम करता है आपका बेटा? वो भी जो है ट्रेवर्स की गाड़ी चलाता है। क्या नाम है? दीपक गिरी गोस्वामी। अच्छा, कितनी उम्र होगी? 20 साल। रहने वाला कहाँ का है? रहने वाले तो हम राजगढ़ जिले के, पर मेरे को 50 साल यहाँ इंदौर में हो गए, तो अब हमारे यहाँ मकान वगैरह। कभी बताया नहीं कि मतलब दोस्तों इस प्रकार की हरकत करते हैं? हजार सर, पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसको चाकू वाकू मारा कुटी कर लिया था। हमने खूब रिपोर्टें करी और रिपोर्टें भी खूब लिखवाई, और ये क्या बोलते हैं वीडियो वगैरह जो भी करवा के करा, पर कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने कोई सलाम नहीं करा साहब। पुलिस थाना तिलकनगर में मर्ग नंबर 4/2024 कायम हुआ है, जिनके मृतक का नाम है दीपक पिता मृताल गिरी, उम्र 18 वर्ष, निवासी पेटियाला कागड़, जाँच है मुझे प्राप्त हुआ है। क्या घटना हुआ? क्या घटना? फांसी लगाने से, प्रथम दृष्टया फांसी लगाने से सूचना आई, इसके बाद जांच में है। अच्छा, युवक के पास से कोई सुसाइड नोट मिला? अभी संबंध में कोई जानकारी नहीं है। क्या काम करता था मृतक? ये अभी इस संबंध में कोई जानकारी जाँच के उपरांत ही बताया। परिजनों से पूछताछ में क्या बात सामने आई? अभी कुछ भी नहीं है, अभी जाँच प्रारंभ की जा रही है। मृतक के पास से कुछ 500 और 100 के नोट भी मिले फटे हुए? जी, मृतक के पास से 500 के और 100 के नोट फटे हुए मिले, ऐसी कुछ बात सामने? जो मिले होंगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जब्त किया जाएगा।